रवि का लंच आलू की भुजिया, दो रोटी और एप्पल नहीं लेके जा रही, तो उसके लिए मैं दो बनाना रख रही हूँ आज। कल एप्पल दिया था तो ऐसे ही बचा के ले रही थी, तो इसलिए आज मैं बनाना दे रही हूँ। और आलू की भुजिया और रोटी दूंगी, कटहल बाद में बनाऊंगी मैं अपना। और ये देखिए, ये हो गई है तैयार। और ये लड़का ये बैठा टेबल और कुर्सी लगा के, नहाया नहीं है आज। ये देखो, ब्रश करा है और दूध पी लिया, नहीं नहाया ना आज। और वो नहा धोके तैयार हो गई है, जाने के लिए तैयार है। और ये लड़का बहुत ही गंदा है, सुबह सुबह उठ जाता है और बार वहाँ पे बैठ जाता है छजरी पे, अभी कुर्सी लेके अब ब्रश करानी और दूध आधा पिया है। और ये देखो, आधा दूध ये बचा दिया, इतनी छोटी सी ग्लासी का भी इससे दूध नहीं पिया जाता। ये इतना बड़ा लड़का हो गया और दूध नहीं पीता। चल बैग उठा अपना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ना आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैं जल्दी अपना काम वाम करके जल्दी नहा ली थी। तो प्लीज़ जो भी नहीं भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और गट्टू सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देता है, अगर कमरे की लाइट जल जाती है ना सुबह ही, तो वो चिल्लाता रहता है। अगर लाइट बंद रहती है तो सोया रहता है, लेकिन वही अभी जल्दी उठती है सुबह को, तो इस वजह से लाइट जलानी पड़ती है। फिर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, इतना वो अपना नहाना धोना करती है। तो लवी जा चुकी है स्कूल, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने सुबह, वो मैंने शुरू में ही ऐड कर दी। और खाना वाना मतलब रोटियां बन गई है, सब्जी नहीं बनी है। सब्जी मैं अब कटहल की बनाऊंगी, उसके लिए आलू की भुजिया बनाई थी सुबह, ताकि जल्दी बन जाए। कटहल की सब्जी में टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कटहल की सब्जी बाद में बनाऊंगी, पहले उसके लिए आलू की भुजिया और रोटी बना के दे दी थी। और बाकी रोटी मैंने बाद में बना ली उसके जाने के बाद। फिर अपनी सब्जी बनाई है, और सब्जी मैं दिखा दूंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, पर हाँ जैसे भी मैं बनाती हूँ भाई मैं दिखा दूंगी। और इस बार कटहल नहीं मिला था, कटहली मिली थी, तो कटहली छोटी छोटी होती है, वो मैंने रात को काट के रखी ना, तो हल्की सी ना ब्राउन ब्राउन सी होगी वो, रखी हुई लाल लाल सी, पता नहीं कैसे हो गई है। अब खाने में कैसी लगेगी वो तो बनने के बाद पता चलेगा। ऐसे मैं कटहल ही लाती हूँ, इस बार कटहल नहीं मिला था तो मुझे कटहली मिली, तो मेरा मन बहुत कर रहा था कटहल खाने के लिए, इसलिए मैं वो कटहली ही ले आई। और कटहल इस टाइम पर ना बहुत महंगा है, कटहली तो 50 रुपये किलो मिली है, कटहल तो बल्कि 80 रुपये किलो है, बहुत महंगा हो रहा है, क्या करें। और गट्टू का तो यही चलता रहता है सुबह से दोपहर तक, क्या होगा, कभी कुत्ता बनता है कभी कुछ। तो चलो हम आपको अपनी सब्जी दिखाते हैं। और मेरी ना रोटी बन गई है, तो अब मैं कटहल फ्राई करूंगी। और ये कटहल नहीं कटहली है, रात में काट के रख दिया था तो ये लाल लाल हो गया है फ्रिज में रखने से काट के। और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई, अपने टमाटर प्याज और लहसुन ये कट कर लूंगी, इतना ये फ्राई होगा। तो मैं तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के कटहल के ऊपर तब फ्राई करती हूँ। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कटहल अपना। और इधर वही जो लगी थी आलू की भुजिया बनाई थी थोड़ी सी। और ये देखिए मेरा कटहल मैंने फ्राई कर लिया है, तो ये देखिए ब्राउन हो चुका है। और इधर मैंने अपनी प्याज लहसुन ग्रेट कर लिया है, इधर टमाटर काटे हैं। तो अब मैं इसको खाली कर लेती हूँ, इसी कढ़ाई में ही बनाऊंगी मैं इसको कटहल को। तो मैं इसको पहले थाली में निकाल लेती हूँ। देखिए तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद में प्याज हल्की ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डालूंगी अपना। और ये देखिए प्याज भून गई थी, तो इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर के ऊपर ही नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर ये सब डाल के इसको मिक्स करना है अच्छे से। और देखिए सारा मसाला जब भून गया, तो ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी मिर्च भी डालनी है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च अपने हिसाब से डालना जैसे आप खाते हो। और ये देखिए मसाला भून गया था मेरा, तो इसमें कटहल डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए और मसाला जो है ना कटहल में अच्छे से मिल जाए। तो पानी डाल के ही मैं इसको पकाऊंगी, 5 या 10 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद तो बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि फ्राई हुआ हुआ है कटहल है ये। देखिए मेरी सब्जी बन गई है और पानी बिल्कुल सूख गया है इसका, बिल्कुल भी पानी नहीं है इस सब्जी में, क्योंकि कटहल जो है ना पी लेता है पानी का।
बिल्कुल सूखी हो गई है ये और बनकर ये तैयार है। ये देखो कट गई ना, तो अब मैं खाना वाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है, मतलब नहाना धोना झाड़ू पोछा। और ये देखिए कमरे की हालत, क्योंकि ये लेट उठते हैं और छोटू भी, तो जब सोते हैं ना ये दोनों ऐसे करते हैं, उधर से लेटेंगे और चादर पैरों से सरका सरका के इधर कर देते हैं, तो पूरा कमरा भी ऐसे ही पड़ा है। बेडशीट मैं चेंज करूँगी अपनी। और गट्टू ये देखिए कैसे बैठा है, और ये लड़का नहा धो लिया है, ये बैठा और देख रहा है अपना कार्टून। और अभी तो मेरे देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो कि अभी धोने हैं, मशीन नहीं लगानी, हाथ से ही धोने हैं, तो इन कपड़ों को धो लेती हूँ मैं। देखिए कपड़े मैंने धो दिए हैं, अपने टॉवल बाहर टांग दिए हैं, कुछ इस वाले कमरे में और कुछ वहाँ, यहाँ पे सुखा दिए हैं, ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि ऊपर धूप निकल रही है बहुत तेज। ये देखो यहाँ पे चमक भी रही होगी, बहुत तेज धूप निकल रही है और मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, गंदा गंदा सा जैसे बारिश का हो। और ये देखिए बेडशीट अपनी मैंने चेंज कर दी थी, दूसरी बेडशीट डाल दी है। और इधर ये देखो गट्टू को, गट्टू क्या बोल रहा बाबू। और उधर मटके में मैंने रखा है पानी, ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है मटके का पानी। मटके से पानी पिया था, अच्छा। और गट्टू, ए गट्टू, अब जाके मेरा सारा काम फिनिश हुआ है, 11:30 बज गए हैं, अब जाके मैं सुबह 6:30 बजे से लगे लगे अब जाके 11:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। पहले लवी का करना, फिर अपना करना खाना वाना, तो बहुत टाइम लग जाता है उसको तैयार वगैरह। अब तो खैर ये है कि खुद हो जाती है, लेकिन कभी कभी बाल वगैरह वो अच्छे से नहीं निकाल पाती, तो थोड़ा बहुत तैयार मुझे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वो खुद हो जाती है। लेकिन उसका लंच पैक करना, बोतल भरनी और लंच फिर बैग में पैक करना, तो वही सब अब देखना होता है कि बैग में हाँ उसने सारा सामान रख लिया या नहीं, तो टाइम लग जाता है काफ़ी सारा सामान सही करने में। और कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं, सुखा भी दिए हैं, सारा काम हो गया। अब फ्री है, अब शाम तो कोई काम नहीं, अब सिर्फ क्या है दोपहर को रोटी बनानी है। सब्जी सुबह बनी गई थी और रायता बनाऊंगी मैं, वही आज खीरे टमाटर प्याज का, वो भी कभी दिखाऊंगी जब कभी बनाऊंगी। तो बस आज तो इतना ही, और इससे ज़्यादा अगर मैं वीडियो बनाऊंगी शाम तक का तो बहुत लंबा ब्लॉग बैठता है, कोई पूरा तो देखता नहीं, इसलिए अब छोटा छोटा ही बनाया करूँगी। कल तो नहीं बनाया था, कल टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो अभी मैंने बेड सेट किया है ना, तो ये लग गया है अपने खिलौने लेके, ये देखो ये लड़का अपने खिलौने लेके बैठ गया है खेलने के लिए। छोटू क्या नाम है, जोर से कह रहा दैव्य सैनी नाम है मेरा, मतलब मेरा नाम पुष्पा सैनी और पापा का कह रहा पापा सैनी। और एक दिन मैं इसको कह रही थी कि छोटू अम्मा का क्या नाम है, कह रहा मुझे नहीं पता, उनका सावित्री देवी, तो कह रहा अम्मा कोई देवी है, अम्मा कोई भगवान है जो देवी बोल रहे हो आप, अब नई नई बातें हैं इसकी तो बताओ जी, देवी लगा दिया तो भगवान हो गए। चलो जी बाय बाय।